महिला सशक्तिकरण अभियान का लमुआ में डीएम रवीश गुप्ता ने किया शुभारंभ। सुल्तानपुर जनपद के लमुआ में सरकार के द्वारा चलाया जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत सुल्तानपुर डीएम रवीश गुप्ता ने तथा एसपी शिवहरी मीणा ने महिलाओं को जागरूक किया तथा कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में महिला सिपाहियों द्वारा चलाया गया। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि मिशन सशक्तिकरण कार्यक्रम अग्रिम 6 महीने तक चलेगा। सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर आपके ओर से जिला स्तर पर क्या तैयारी है? सर, जैसा कि अभी बताया गया है, मिशन शक्ति जो है एक 6 माह का कार्यक्रम है जो कि स्पेल्स में चलेगा, जिसका पहला स्पेल ये शारदीय नवरात्र में 10 दिन का चल रहा है। और जैसा कि इसमें बताया गया कि इसमें मुख्य रूप से जो पूर्व से बहुत सारे प्रचलित कानून हैं उनके विषय में जागरूकता और उसके संबंध में यदि कोई क्रियान्वयन होना है, किसी प्रकार कोई शिकायत है, तो उनको सामने ला करके उनका यथाशीघ्र निस्तारण कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत जनपद पे हर दिन किसी न किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि किसी दिन हमारे जो कोविड में अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित किया गया, किसी दिन कानून के विषय में महिलाओं को जागरूक किया गया, आज जैसे जिला मुख्यालय पर बच्चियों के सुरक्षा एवं शिक्षा के विषय में कार्यक्रम चल रहा, इस प्रकार से इसके विभिन्न अंगों के विषय में एक एक दिन कार्यक्रम चलेगा। इस प्रकार से 10 दिन का वृहद कार्यक्रम है और इसमें जनपद के सभी महिला कल्याण से जुड़े हुए विभाग एवं अन्य विभाग शिरकत कर रहे हैं। अभियान चलाया है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो इस पर सर जनपद स्तर पे हमारी क्या तैयारी है और अगर कोई महिला कंप्लेंट करती है तो उसे त्वरित न्याय कैसे मिलेगा? आपको बता दें कि मिशन शक्ति के तहत एक और 7 दिवस का अभियान है तो दूसरी ओर 6 महीने का एक अभियान विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। इसके तहत एक और जनपद स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, साथ ही साथ थानों पर भी विभिन्न क्षेत्रों में जाके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा जो शिकायतें की जाती है उसके लिए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिस पर 24 आवर्स ड्यूटी लगाई गई है, दो दो महिला कॉन्स्टेबलों की। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी उनका सुपरविजन हो रहा है। विभिन्न तरह का इंद्रधनुषी अभियान है, इसमें एक और जागरूकता का कार्यक्रम है, दूसरी ओर सोशल काउंसलिंग का अभियान है और तीसरी ओर इसमें जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी निश्चित रूप से कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लेकिन हम सबका प्रयास ये रहे कि हम एक अच्छा समाज बनाएं, बेहतर समाज बनाएं, उसके बाद भी अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विधिक प्रक्रिया के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। थैंक यू।